कि ये नून लीग का गढ़ है। फिर वोट किसको देना है? नून लीग को इंशाल्लाह। जी आपका वोट पीटीआई का। हाँ जी अंकल, वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को। वोट मैं पीटीआई का। अगर इमरान खान जेल में रहता है और उसको आने नहीं देते तो फिर भी आप वोट पीटीआई? बैलेट बॉक्स पे नंबर नहीं भी आता तो मैं पेंसिल के ऊपर बना कर ना बल्ले का निशान तो मोड़ दूंगा। बातें नहीं मैं कर सकता, मेरे दिल में है। आप चलाएंगे नहीं कभी? कभी भी नहीं चला सकता। इन्होंने सारी उम्र जो ना वो उठाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। वो डटा हुआ है, वो बेकार नहीं है। जाति उम्र का मतलब इंडिया में पता क्या है? हीरा मंडी। आप बताएं आपका वोट किसका है? वोट तो मर्द दम तिकर पीटीआई का। अस्सलाम वालेकुम जी, तस्वीर मीडिया के साथ मैं हूं आप लोगों की मेजबान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, आज हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। जानते हैं कि ये नून लीग का गढ़ है, वहीद आलम खान का हल्का है। जानते हैं कि आवाम किसको वोट देना चाहती है, आइए आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? समीर। समीर वोट किसको देना है? नून लीग को इंशाल्लाह। आपका वोट किसका है? इंशाल्लाह नून लीग को ही दे देंगे। क्योंकि नून लीग को क्यों देना है? नून लीग की हुकूमत में बड़ी चीज़ें सस्ती थी। नून लीग में जो सा मेरी शादी हुई थी और नून लीग में जो सा है बहुत। फिर क्या हालात? शादी के बाद जिस तरह इमरान खान ने मुल्क के हालात किए हैं उसी तरह बेगम ने हालात किए हैं हमारे। जी जी आपका वोट किसका है? पीटीआई का। वजह? गुड बंदा। हाँ जी अंकल, वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को। वोट किसका है? वोट मैं पीटीआई का। वजह? वजह यही है कि बस पीटीआई। अगर इमरान खान जेल में रहता है और उसको आने नहीं देते तो फिर भी आप वोट पीटीआई को देंगे? मैडम अगर बैलेट बॉक्स पे नंबर नहीं भी आता तो मैं पेंसिल के ऊपर बना कर ना बल्ले का निशान तो मोड़ दूंगा। ठीक है, ये कन्फर्म बात है। ठीक है, अगर ये कन्फर्म, मैं आपके दिल की बात बता रहा हूँ, ये कोई मामला नहीं है। इससे नून लीग का हल्का है ये? हाँ, मैं इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। हल्का जिसका मर्जी हो। हाँ। वोट इमरान खान का बल्ले का, इससे बड़ी बात। इमरान खान की कोई अच्छी बात बताएं। इसको बुरी बात बता दें। हाँ। आप बुरी बात बता दें। आपके सामने कोई बातें नहीं मैं कर सकता, मेरे दिल में है। आप चलाएंगे नहीं कभी? कभी भी नहीं चला सकता। मैं चलाऊंगी। मैं कह रहा हूं कभी। मैं कह रही हूं चलाऊंगी। ठीक है। मैं कह रही हूं बात करने मैडम, मैं आपको कह रहा हूं आप नहीं चलाएं। मेरे दिल में जो बातें हैं ना, मैं कह रही हूं मैं ले आऊंगा ना, तो कोई बंदा भी आपको भी कबूल नहीं करेगा। हो सकता है वो आपको आपको पर केस कर दे। नहीं करेगा। नहीं करेंगे। इन्होंने सारी उम्र जो ना वो उठाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो डटा हुआ है, वो बेकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, हम ना उठाने वाले हैं और ना उठाने देंगे। आप कब से पीटीआई के साथ? 1996 से। 1996 से 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आया था और अफवाहें यही है कि वो वजीर आजम बन चुका है, तो आप क्या कहते हैं? मैडम इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हमेशा डील से आए हैं, कभी सीएसएस का इम्तहान पास करके नहीं आए। ठीक है, इनके बाप दादा भी जो है ना वो किसी नवाबजादे की दौलत उठा के पाकिस्तान आए थे। जाति उम्र का मतलब इंडिया में पता क्या है? हीरा मंडी। अच्छा, कोई इमरान खान के काम बता दें जो इमरान खान ने किए? मैंने सारे किए हैं। उसने कुछ तीन काम किया नहीं किया उसने? ये कोई तीन काम बता दें। मैं क्या आपको बता सकता हूँ? सबसे पहले तो उसने हमें ये छोड़ दिया ना कि ये चोर हैं। उसने साबित किया मैडम, उसने जो वादे किए थे ना, एक उसने वादे किए थे कुछ पीटीआई के साथ और कुछ किए थे उन्होंने लोटों के साथ। जो लोटों वाले वादे हैं वो पूरे नहीं थे हुए, जो पीटीआई के साथ वादे किए थे वो सारे पूरे हुए हैं। ठीक है, उनमें सबसे बड़ा ये वादा था, मैं आपको साबित करूँगा कि ये सारे चोर हैं। ठीक है, ये सारे गंदे हैं, ये मेरे खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी वादा था। ठीक है, अब इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं? आप बताएं आपका वोट किसका है? वोट तो मर्दे दम तिकर पीटीआई का। वजह? वो एक अच्छा लीडर है, उन्होंने आवाम को शऊर सिखाया है। क्या शऊर आया? हमें ये शऊर सिखाया है उन्होंने कि ये लुटेरे हैं, बात भी ऐसे ही है। जब भी कर्जा लेते हैं तो वो सारा हम ही अदा करते हैं, ऐसे ही है ना, टैक्स लगाते हैं, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी, ये बताया उन्होंने। आप बताएं जी वोट किसके? इमरान खान के। अच्छा, वैसे इमरान खान एक सच्चे लीडर है। अच्छा। पाकिस्तान के लिए वो सही है, उस पर हम खुश है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए। हाँ, आपको क्या लगता है अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान। हाँ जी सर, वोट किसके? हम किसी को भी नहीं देते। अच्छा, ये सारे भूत है, पागल है ये। आपका वोट किसके? मेरा भी किसी को नहीं है। शनाख्ती कार्ड नहीं बना अभी? नहीं, अभी नहीं बना। कितने साल के हो गए? तकरीबन 17.5 साल। गुड, एतराज। आपका वोट किसका है? इमरान खान का। अच्छा, मतलब एक है कि आज़ादी के लिए वही सबसे बेस्ट है यहाँ पे। आपका वोट किसका है? शेर को। अच्छा, शेर को वोट क्यों देना? शेर की कोई तीन काम बता दें।
ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन इसके अलावा क्योंकि उसके घूमने में ज़्यादा वो नहीं आता, ज़्यादा मतलब जो है चीज़ें महंगी नहीं आती, सस्ती आती, पेट्रोल महंगा है, उसने किया सब कुछ महंगा। किसने किया? इमरान खान ने, क्योंकि जब शेर उठा है 85 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब दे लो पेट्रोल कितने का। इसको पता नहीं है। आप बताएं जी, ये सही कह रहे हैं? ये गलत कह रहा है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में जो रूस गए थे, इमरान खान पेट्रोल लेने सबसे पेट्रोल मिलना था वहाँ से, लेकिन इन्होंने उसके आते ही उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी, कॉन्फिडेंस मोशन ले आए थे उन्होंने से। आपका वोट किसका है? नून लीग का। अच्छा, नून लीग के को तीन काम बताएं सड़कों के अलावा और इस ट्रेन के अलावा। तीन काम में से सबसे पहला काम ये है, नून लीग का जो है महंगाई नहीं थी उसके टाइम पे। अच्छा। बेरोजगारी दूसरी बात है, बेरोजगारी ख़त्म थी। अच्छा। और तीसरा ये काम है कि हर बंदा खुशहाल था उससे। पिछली जो 16 महीने की गवर्नमेंट गुजरी उसमें क्या कहते हैं? उसमें तो फिर इंसान का तो कचूमर निकाल दिया। हुकूमत किसकी? हुकूमत तो निगरान थी, लेकिन उनके बस और निगरान हुकूमत थी। ये जो भी जो गई है हुकूमत, जो अभी जो चल रही है, चलने वाली नहीं, जो गुजर चुकी है 16 महीने। इमरान खान की, इमरान खान की बात कर रहे हैं? इमरान खान ने 16 महीने। और किसकी गई है? पीडीएम की, उसका मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये है कि अंदाज़ा कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसके अंदर जो था बड़ी सहूलतें थी, बेरोजगारी ख़त्म थी, खुशहाल था हर बंदा, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता था, मेहमान आ जाते तो उसमें ये होता था कि उनकी खातर तवाज़र बंदा कर लेता था, मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से कर लेता था। आज ये है, ये नौबत आ गई है कि बंदा अपने लिए जो रोटी है वो कमानी और खानी जो है इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। कोई मेहमान आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो वो बंदा ये सोच रहा होता है ये मेहमान आ गया, हालांकि मेहमान अल्लाह की रहमत है, लेकिन उसका ये वज़न बढ़ जाता है कि यार हमने ये दो वक्त की रोटी जो खानी है, अब ये मेहमान हमारे साथ जो रोटी खाएगा तो हमारा अगला दिन कैसे गुजरेगा। तो महंगाई के हिसाब से जो है खुशहाल नहीं है, हम ये खुशहाल नहीं है, इसके अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और नाज़रीन इकराम, आपने लाहौर की आवाम की राय जानी। इस वक्त मैं मौजूद थी शाह आलम बाज़ार में, इसको उर्दू बाज़ार भी कहा जाता है, शाह आलम बाज़ार इसके साथ है। यहाँ की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, आपने वोट किसको देना है अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त अल्लाह ने के बाद।